झारखंड में 10वीं के 99.99% बारहवीं के 99.90% विद्यार्थी पास। CISE यानी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन शनिवार को 10वीं और बारहवीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई। झारखंड में 10वीं के 99.99% विद्यार्थी पास हुए, जबकि बारहवीं के 99.90% विद्यार्थी पास हुए। झारखंड में 10वीं के 13,641 विद्यार्थी थे, इनमें 7,335 लड़के जबकि 6,306 लड़कियां थीं। 53.77% लड़के थे जबकि 46.23% लड़कियां थीं। 99.99% विद्यार्थी ने परीक्षा पास की है। लड़कों को प्रदर्शन लड़कियों से बेहतर रहा। 100% लड़कों ने परीक्षा पास की है जबकि 99.98% लड़के पास हुए हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम व बड़ा तालाब का होगा कायाकल्प, बदलेगी रांची की तस्वीर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित राज्य शहर की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम एवं बड़ा तालाब का कायाकल्प होगा। सुंदर रांची के लिए सरकार के साथ साथ आम जनता की भागीदारी जरूरी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि रांची शहर के विकास में सरकार के साथ साथ आम जनता की सहभागिता भी जरूरी है। सरकार की विकास योजनाएं अनवरत चलती रहती है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ हमें तभी पूर्ण रूप से मिलेगा जब हम जागरूक होंगे। रांची झारखंड की राजधानी है। राजधानी की छवि से पूरे राज्य की छवि बनती है। आज यह 84 करोड़ की लागत से रांची शहर के सुंदरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। हमारी सरकार की सोच है कि कोई भी विकास योजना लंबे समय के लिए होना चाहिए, जिसका लाभ सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके। विकास का पैमाना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर नहीं बल्कि पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बीचों बीच स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम एवं बड़ा तालाब का कायाकल्प एक आकर्षक रूप प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जो लोग बाहर से रांची आते हैं, वे एक बार जरूर इन जगहों पर घूमने पत्र। इस सोच के साथ साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विकास योजनाओं का स्वरूप पर्यावरण के साथ समन्वय स्थापित कर तैयार करें। हमारे कारणों से समस्याएं उत्पन्न होगी तो उसका समाधान भी हमें ही ढूंढने की जरूरत है। बेमौसम बारिश, बेमौसम कहीं वार, कहीं तूफान, कहीं महामारी, ऐसा पर्यावरण की छेड़छाड़ अथवा दोहन का उदाहरण है। आज से 25-30 साल पहले की रांची की वातावरण और वर्तमान समय में रांची के वातावरण में काफी अंतर दिखाई पड़ता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि शहर के अंदर खाली जमीनों पर वृक्ष लगाकर शहर को हरा भरा बनाया जाए। इस निर्मित विभाग को निर्देशित भी किया गया है। पुलिस टीम को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने लगाए थे 2 IED बम। जवानों ने समय रहते बरामद कर किया निष्क्रिय। झारखंड के लोहरदगा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को फेल कर दिया। जानकारी के मुताबिक पेशरार थाना क्षेत्र के चैनपुर पेशरार रोड पर कोदा झरिया टोली के पास CRPF 158 बटालियन और जिला पुलिस के जवानों ने 2 IED बम बरामद किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों IED बम पुलिस टीम को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने रास्ते पर लगाया था। नक्सलियों की सूचना पर निकली पुलिस टीम को समय रहते इनके बम की जानकारी मिल गई। तुरंत ही जवानों ने दोनों केन बमों को निकाल कर जंगल में ही निष्क्रिय कर दिया, जिससे नक्सलियों की साजिश विफल हो गई। झारखंड की पंचायतों से आदर्श स्कूलों का होगा चयन। 4091 लीडर स्कूलों को चिन्हित करने का निर्देश। झारखंड के शिक्षा सचिव राजेश कुमार ने अधिकारियों को पंचायतों से आदर्श स्कूल चयन के लिए 4091 लीडर स्कूलों की
चिन्हितकरण का निर्देश दिया। उन्होंने उन पंचायतों को प्राथमिकता देने को कहा जहाँ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने 325 आदर्श स्कूलों में आधारभूत संरचना को लेकर भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त सचिव ने आदर्श विद्यालयों के प्रभाव रेखांकित करने पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए अगस्त के मध्य या अंत में एक वर्चुअल प्रोग्राम तय करें। इसे हेडमास्टर समेत प्रोग्राम से जुड़े सभी लोगों को शामिल कर इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी संबोधित करेंगे। शिक्षा सचिव ने आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के निदेशक को इसके लिए प्रतिनियुक्ति पर 30 जुलाई तक संबंधित शिक्षकों को निर्गत करने को कहा गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी शिक्षक हर हाल में 7 अगस्त तक अपने प्रतिनियुक्त स्तर पर योगदान दें। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश 3 पर राजद्रोह का मुकदमा। झारखंड में झामुमो कांग्रेस महागठबंधन की हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश को लेकर रांची कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शनिवार दोपहर कोतवाली थाने में FIR के बाद अप्राथमिक अभियुक्त अभिषेक कुमार दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो को जेल भेजा गया। पुलिस के हत्थे चढ़ा अभिषेक रातुरू के इलाके में देवमंडप का रहने वाला, वहीं अमित सिंह बोकारो के सेक्टर 2 तथा निवारण मातो सेक्टर 12 का रहने वाला। इससे पहले विधायकों की खरीद फरोख्त की सूचना पर गुरुवार देर रात शुक्रवार तड़के पुलिस ने राज्य के कई होटलों में छापेमारी की थी और 3 लोगों को उठाया था। इधर सरकार गिराने के खेल के खुलासे के साथ ही झारखंड में सियासी भूचाल मच गया है। झारखंड के लातेहार में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को हाईवा ने रौंदा, मौत से ग्रामीणों में आक्रोश। झारखंड के लातेहार जिले के बालुमा थाना क्षेत्र के सेरगढ़ ग्राम स्थित चेटर नदी के पास हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। वे मृतकों के आश्रितों को मुआवजा व नौकरी की मांग कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार राम कुमार गंजू, राजेश गंजू एवं तेतर गंजू सभी बालुमा थाना क्षेत्र के आरा ग्राम के गुरुआ निवासी शुक्रवार देर रात करीब 10 बजे चंदवा बाजार से खरीदारी कर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच बालुमा टनवा मार्ग पर चेटर नदी के पास तीखी मोड़ पर एक हाईवा की चपेट में आ गए। हाईवा मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को घसीटते हुए ले गए और फरार हो गया। घटना में राजकुमार गंजू और तेतर गंजू की मौत हुई घटनास्थल पर ही। वहीं एक अन्य युवक राजेश गंजू गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे बालूमाथ पुलिस के सहयोग से बालूमाथ CIC में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रिम्स से रेफर किया गया, लेकिन रांची ले जाने के क्रम में राजेश ने दम तोड़ दिया। अजब झारखंड की गजब पुलिस, जिन्हें सरकार गिराने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया, उनमें एक सब्जी बेचने वाला और दूसरा मजदूर निकला। झारखंड में सरकार गिराने के मामले में नया ट्विस्ट आ गया। दरअसल रांची पुलिस ने सरकार गिराने की साजिश के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें से एक सब्जी बेचने वाला और दूसरा दिहाड़ी मजदूर निकला। यह दावा खुद गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों ने किया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने इन्हें 2 दिन पहले बोकारो में उनके घर से उठाया था। निवारण प्रसाद महतो बोकारो में सब्जी और फल की रेहड़ी लगाते हैं, जबकि अमित सिंह दिहाड़ी मजदूर करते हैं। निवारण के जीजा सोनू कुमार ने बताया कि पुलिस ने दोनों को 2 दिन पहले यह कहकर उठाया था कि एक मामले में पूछताछ करनी है, 1-1.5 घंटे बाद छोड़ दिया जाएगा। इधर पुलिस ने इन्हें रांची के एक बड़े होटल से गिरफ्तार करने का दावा किया।